कितनी देर लगा दी बच्चों, तैयार हो रहे हैं। शानिया, अरे शानिया जल्दी आ जाइए, आमिर मियां इंतजार कर रहे हैं गाड़ी में आपका, नमाज नहीं पढ़नी। आ रहे हैं अम्मी हुजूर। अभी भी आ रहे हैं। लीजिए आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। हम ना? आप भी। बहुत शुक्रिया। आप मियां, आपकी शलवार कमीज बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी? मुझे आंटी ने ईद का गिफ्ट दिया है। अच्छा, वैसे शलवार कमीज आप पे बहुत जच रही है, पहली दफा देखा है ना हमने आपको शलवार कमीज में। बस वो मैं कभी कभी पहनता हूँ शलवार कमीज, ईद पर, बकरीद पर या रमजान में। आंटी आप ऐसा क्या देख रही हैं? बेटा तुम्हें देखकर मुझे रिजवान की याद आ गई, वो भी बहुत प्यारा लगता था शलवार कमीज पहनकर, बहुत अच्छा बच्चा था मेरा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। मुझे भी तो आप अपना ही बेटा समझो। हाँ तो और क्या, तू भी तो मेरा बेटा ही है। अरे भाई जल्दी करो, नमाज को देर हो रही है, बाहर इंतजार कर रहा है आमिर। अरे हाँ हाँ चलो चलो, मेरी तरफ से आप लोगों को एडवांस भेज दूंगा। दोबारा वजू बना लीजिएगा, दोबारा आप गाड़ी लगवा देता हूँ। बच्चों का भी ख्याल है बहन, आपने शीरखुरमा तो बनाया है ना? तौबा है, इस लड़की ने तो दरवाजे पीट पीट के मेरे सर में दर्द कर दिया, सुबह से 7 बजे से दरवाजे पीट रही है। ऐसा क्या मुसीबत आ गई है भाई, सबको उठाने में लगी हुई है। मॉम ईद का दिन है आज, इसीलिए दरवाजा बजा रही थी वो। आप क्यों इतना गुस्से हो रही हैं? आई नो ईद का दिन है, लेकिन कुर्बानी कसाई नहीं करनी है, हमने नहीं करनी है, फिर बिला वजह हम सबको उठा रही है। मॉम क्या हो गया है, ईद का दिन है और अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा होता है सुबह उठना। अपनी शक्ल देखो तो, तुम्हारी आंखों में कितनी नींद भरी है, जाओ सो जाके। आंटी आंटी सब लोग जल्दी आइए, कसाई बैल को गिरा रहा है, चलो चल के कुर्बानी देखते हैं। तुम क्यों इतना एक्साइटेड हो रही हो बीना कुर्बानी देखने के लिए? बीना तुम कोई बच्ची तो नहीं हो ना जो कुर्बानी देखने के लिए इतने बच्चों की तरह खुश हो रही हो? हमारा कुर्बानी का जानवर है, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? पता है मेरे घर में तो सब सुबह उठ के कुर्बानी देखते थे, बल्कि मेरे भाई तो कभी कभी खुद ही कुर्बानी कर देते थे। चले ना मॉम, अब उठ गए तो देख लेते हैं, वैसे भी कितने अरसे बाद कुर्बानी देखूंगा आज मैं। क्या मतलब इतने अरसे के बाद? भाई हसन साहब तो उठते ही नहीं है ईद पे जल्दी, ना नमाज पढ़ने जाते हैं और ना ही कुर्बानी देखते हैं, सब काम तो डैड ही संभालते हैं। मरियम तुम लोग जाओ कुर्बानी देखो, मुझे इस सुबह सुबह खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो सोने जा रही हूँ। आंटी प्लीज 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 आप ही चले ना। चलो लेकर आओ सन, आओ मरियम। आ जाओ भाई। बच्चे लग रहे हो तुम लोग मुझे कसम से। भाई वाह, क्या कोई उम्दा खुशबू आ रही है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमारी अम्मी हुजूर जब सिवैयां बनाती थी ऐसी ही खुशबू महकती थी। ये लोग आने ही वाले होंगे ईद की नमाज पढ़ के, मैं सोच रही हूँ कि पुलाव को दम तो लग ही गया है, वो भी ले आऊँ। पुलाव? बहन अभी बकरा तो ज़िबा हुआ नहीं, तो पुलाव किस चीज़ का बना लिया आपने? मुर्गी का बनाया है, और किसका बनाऊंगी? क्या बकरा ईद पर मुर्गी का पुलाव? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। जीते रहिए। अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक। मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। अरे वाह भाई, बहुत अच्छी खुशबू है, क्या बनाया?
बेटा ये स्वीट है, स्वीट तो तुम खाते नहीं हो। भाई आज ईद का दिन है, ईद के दिन तो अलाउड होता है। वैसे बरखुरदार ये बताइए, आपको पाकिस्तान की ईद कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लगी, बल्कि हम अमेरिका में भी ईद ऐसे ही मनाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अमेरिका में भी जानवर ज़िबा होते हैं। बिल्कुल, वहाँ भी जानवर ज़िबा करते हैं, लेकिन हर घर में कुर्बानी नहीं होती, एक मखसूस जगह है, सब वहाँ जाके कुर्बानी करते हैं। क्या, फिर तो ईद का मज़ा आता ही नहीं होगा। अमी, गैर मुल्क में हम वतन, हम जबान, हम मज़हब लोग जब मिल जाते हैं ना, तो मज़ा तो आता ही होगा। अच्छा सुने, मैं ऊपर अब्बू से ईद मिल के आ रहा हूँ। मैं भी आता हूँ। चांदनी, आप भी ऊपर जाइए और जाकर राणा साहब को सलाम कीजिए। शीर खुरमत खा के चले जाएंगे। हमने आपसे क्या कहा, आप ऊपर जाए और उनको सलाम करके। मैं जरा पुलाव ले आऊं। उसने सारी फ्रेंड्स को इनवाइट किया, तुम्हें भी जाना जरूरी है। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ भाई, इनफैक्ट मरियम भी जाएगी। चलो ठीक है, डन, मिलते हैं। ओके बाय। अब मॉम, आपने ये तो बताया नहीं कि हमें कहाँ जाना है लंच पे। ये मेरी फ्रेंड के घर पे लंच है, यू नो, मेरी एक नई फ्रेंड बनी है, बहुत अमीर कबीर औरत है। मरियम 2 करोड़ का तो डायमंड पहनती है, और न जाने कितने डायमंड्स होंगे उसके पास। मैंने तो फौरन दोस्ती कर मिसेस मलिक के घर मिली थी। तौबा है मॉम, आप पैसा देख के लोगों से दोस्ती करती हैं। आजकल जिसके पास पैसे उसी की इज्जत है। वैसे मॉम, इस ईद पे लंच पे जाना मुझे ज़रूरी है क्या? जाहिर सी बात है, अरे बेवकूफ़, ऐसे बड़े बड़े घरों पर तो लड़कियों को जाना चाहिए, अच्छे रिश्ते आते हैं। प्लीज़ मॉम, दोबारा मत शुरू हो जाए। आंटी, मैंने कलेजी बना लिए और बिरयानी भी तैयार कर ली है, मैं खाना लगा दूँ? खाना? और इस वक्त? अभी तो हमने नाश्ता किया थोड़ी देर पहले। और वैसे भी मैं और मरियम तो लंच पर जा रहे हैं, तुम लोगों को खाना खाना है तो खा लेना। जी अच्छा। सुनो, एमन कहाँ है? वो तो सो रही है। सो रही है? ये टाइम है सोने का? आज ईद का दिन है भाई, जाओ उठाओ से जाकर, ये कौन सा टाइम है सोने का? इसको कहाँ भेज रही है? वो चुड़ैल पीछे पड़ जाएगी इसके, मैं खुद जाके उठाती हूँ। हाय शानमिया। आमिर, कुर्बानी नहीं करवानी क्या? करवानी अम्मी, कसाई का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं। अरे मियाँ, कसाईयों का तो सीजन चल रहा है, दूल्हा बने फिर रहे हैं वो लोग, मुश्किल से ही नसीब होते हैं। पहले से बात नहीं की हुई थी तूने? की थी अम्मी, उन्होंने कहा कि आपने कॉल करने में देर कर दी है, पहले ही बहुत बुकिंग है। अरे मियाँ, तो अब क्या होगा? होगा ये कि कसाई सामने वालों की गायें काट के हमारे घर में। अरे आमिर भाई, छोड़े कसाई को, हम दोनों मिलके बकरा ज़िबा कर लेते हैं। अरे रहने दे, पहले भी राणा साहब, आमिर और रिजवान ने बकरा ज़िबा किया था, सारा गोश खराब कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं भाई, अब हम इंतजार करेंगे कसाई का, हमें तो चापों का गोश वैसे ही बहुत पसंद है, और कढ़ाई कट गोश बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। चापे कौन बनाएगा तुम्हारे लिए? आप बनाएंगी चापे, और कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी, तेरी चापे ना बना डालूं। पहले से माँ बेटे गोश्त पर नजर रखकर बैठे, अभी बैल कटाने और फकीर आ गए। बैल किसने लिया? आप लोग तो बकरा लाए थे। अरे मियाँ, मुहावरा बोल रहे हैं। अरे भाई बस कर दीजिए, मैं कसाई को कॉल कर देता हूँ। हेलो, मैं आमिर बोल रहा हूँ यार, आ जाओ भाई,
क्या? पर यार अच्छा ठीक है ओके, पर जल्दी आओ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ आमिर? होना क्या है, 1000 रुपए ऊपर मांग रहा है। ईद के दिन ना ये कसाई लोग ब्लैकमेल करते हैं। अरे आमिर भाई, हम तो कह रहे हैं हम लोग खुद बकरा जिबा कर लेते हैं। आप तो चुप कीजिए। एमन कहाँ हो, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? एमन क्या मुसीबत है, क्यों सुबह सुबह दरवाजा बजा रही हो? ईद का दिन है एमन, कुछ तो शर्म करो, तुम अब तक सो रही हो। अब सोने में कैसी शर्म, सब उठ चुके हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ तो मुझे उठकर क्या करना है, ये सब काम तो मर्दों के होते हैं, कुर्बानी करना, गोश्त बांटना। और तुम्हारा भाई तो इस काबिल भी नहीं है कि वो कुर्बानी करे या गोश्त बांटे, तो मुझे उठ के क्या करना है? सो डोंट डिस्टर्ब मी, बिहेव योरसेल्फ, माइंड योर लैंग्वेज। तो मेरे भाई के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते, और ये मत भूलो कि तुम्हारा शौहर भी है वो। प्लीज सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, जाके मेरे लिए कॉफी बना कर ले। कोई नौकर नहीं है तुम्हारा यहाँ पे, नीचे आके खुद बना लो। 5 मिनट हैं, वरना मॉम खुद आ जाए। आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा चलिए, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, जरा गेट पे कोई है। अल्लाह हाफिज। आ रहा हूँ। ओ कौन है ये? हाँ आ रहा हूँ। अरे छाला खैरा खुशा। हाँ खैरियत, क्या हुआ? सही कुर्बानी करानी? हाँ कुर्बानी तो करवानी है। मैं हूँ ना, मैं करूँगा सही कुर्बानी, बस 10,000 रुपये लूँगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई मैं कुर्बानी करने आया हूँ बकरे की। तू कुर्बानी करेगा? तू कसाई थोड़ी है, कैसे कुर्बानी करेगा? एक मिनट छोटे नवाब साहब, ये आप जनाब से तू थोड़ा के कैसे आ गए? वो हम इन्हें देख के अपना आप ही भूल गए थे। आप नहीं जानते, इनके जैसी शक्ल के 4-5 लोग घूम रहे थे मंडी में। भाई आप तो कसाई नहीं है, फिर आप किस खुशी में आ गए यहाँ? पता नहीं, मैं ही कसाई हूँ। वैसे लग तो कसाई रहे ना? ये सिर्फ लग रहे हैं, कसाई नहीं है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि ये कसाई है तो हम इसी से बकरा कटवा लेते ना, वैसे भी हमें कौन सा कसाई मिला है? नहीं, आमिर भाई ने कसाई से बात कर ली है, बस वो आ ही रहे। देखिए आई एम सॉरी, वो कसाई का इंतजाम हो गया। अब ऐसे सही, मैं ना चापे बड़ी अच्छी बनाता हूँ, और गोश्त तो ऐसा बनाता हूँ बकरे का कि आप लोग देखते रह जाएंगे। देखिए प्लीज आई एम सॉरी, आप हमें परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से प्लीज, जाइए। सलमान भाई ये आपकी बात नहीं मानेंगे, इनको हम संभालते, आए बकरा कटवाते हैं। अरे बकरा काटो साई, चलो कुत्ता काटो बाहर। ये ऐसे ही हैं भाई, 5 शक्ल के लोग घूम रहे हैं। हसन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ बोलो। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर के लिए अम्मी से ईद मिलाऊं। जाओ जरूर जाओ, ईद का दिन है, जाना भी चाहिए। नहीं वो आंटी कहीं नाराज ना हो, मैं सुबह सुबह ईद के दिन चली गई। नहीं भाई वो क्यों नाराज होंगी, और इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? थैंक यू हसन, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैं तो बस चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैंने तुम्हें जितनी भी तकलीफें दी है ना, उसका अजाला कर सकूं। हसन उन दिनों को भूल जाए, और वैसे भी हमेशा अच्छे वक्तों को याद रखना चाहिए।
और बुरे दिनों को भूल जाना चाहिए। मेरा तो अच्छा वक्त भी बुरी हालत के साथ ही आया है। देखा, फिर आप करने लगे ना ऐसी मायूसी की बातें। इंशाल्लाह आप देखिएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। काश मैं ठीक हो सकता। मैं अल्लाह ताला से रोज आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको जल्दी सेहतयाब कर दे हसन। मुझे तुम पर पूरा यकीन है बीना कि तुम्हारी दुआओं से मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, जाओ तुम्हें अम्मी के घर जाना है ना। और सुनो, ऐसे कैसे जा रही हो? ईद का दिन है, गोश्त लेकर जाओ। गोश्त? हाँ, ईद के दिन सब गोश्त बांटते हैं ना। जाओ गोश्त लेकर जाओ। थैंक यू सो मच हसन। यार ये तो आजकल के कसाई बहुत महंगे और ऊपर से मिलना एक अजाब हुआ है। आप फिक्र नहीं करें, आमिर भाई ने बात की हुई है कसाई से, आने वाला होगा। आ ही गया मुझे लगता है। हाँ देखिए। कौन सा पहले कहाँ गिराना है? कहाँ अंदर कहाँ? अरे आप लोग को वही ना जो मंडी में आए थे, मेरा बकरा भी खरीदा था। बकरा कहाँ है मेरा है? देखो, अपने बकरे का गोश्त मैं सबसे बेस्ट बना सकता हूँ, बेहतरीन। अरे मियाँ, आप हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचाए हैं? अम्मी हुजूर, अभी थोड़ी देर पहले इनका जुड़वा भाई भी आया था। मियाँ ये बताइए कि आपको हमारा घर बताया तो बताया किसने? बाजी गुस्सा मत करो, जाओ। जिस बकरे में आप लोग आए थे ना, वो मेरा चचाजात भाई था। उसने मुझे बताया कि उसने आपको इस घर में उतारा, तो मैं बकरी की कुर्बानी करने आ गया। हैं? बकरी की कुर्बानी? आप कब से कसाई हो गए हैं? ना भाई, ऐसी बातें मत करो। जड्डी पुष्टी कसाई हम लोग। मेरे दादा, मेरे परदादा, उनके दादा, उनके परदादा, मामू, चचा, कजन, इवन औरतें भी हमारी कसाई थी। अरे भाई, हम तो ऐसा बकरा गिराते हमारी औरतें ना एक उंगली से बकरा गिरा देती है।